नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आज के इस रात्रिकालीन संस्करण में। आज हम एक बहुत ही रुचिकर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो है हिंदू धर्म में प्रतीकों का स्थान या हिंदू सिंबॉलिज्म जिनको कहते हैं। और उसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर सुभाष काक। जैसा कि आप जानते हैं प्रोफेसर सुभाष काक वैसे तो कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं लेकिन वे भारतीय संस्कृति और भारतीय शास्त्रों पर अपना बहुत अधिकार रखते हैं। नमस्कार सुभाष सर और आपका पुनः एक बार स्वागत है जयपुर डायलॉग्स पर। हाँ, बहुत बहुत ही सुंदर विषय है कि देवी देवता क्या है। चलिए इस पे बात शुरू करें। जी तो सबसे पहले आते हैं इस पर। देखिए कि जो विशेषकर जो अब्राहमी धर्म है वो मूर्ति की अवधारणा पर बड़ा मजाक उड़ाते हैं और मैं जो है कई बार लोभ संवरण नहीं कर पाता हूँ उनका मजाक उड़ाने में। मैं उनसे ये पूछने लगता हूँ कि क्या आपका जो भी गॉड है या यहवे है या अल्लाह है वो यदि सर्वशक्तिमान है तो उसकी क्या समस्या है कि वो एक मूर्ति में या एक पेड़ में या एक किसी जीव में अपने आप को स्थापित नहीं कर सकता। हाँ, देखिए जो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, उसमें देवी देवता और भगवान का जो समझ है वो बहुत ही गूढ़ है और उसमें कई परतें हैं। एक परत में आप ये कह सकते हैं कि हाँ, जो भी हम विश्व में देखते हैं वही सब कुछ है, भौतिक रूप में वही सब कुछ है। लेकिन जो भौतिक भौतिक विश्व है वो केवल उसका जो सब कुछ यथार्थ है उसका एक भाग है, एक तरफ से भौतिक और दूसरी तरफ से चैतन्य। तो इन दोनों का जो समन्वय होता है, जो जुड़ना होता है, उसी से जीव उत्पन्न होता है, उसी से समझ आती है, उसी से सब कुछ विश्व चलता है। जो कुछ और परंपराएं हैं वो केवल शरीर को प्राथमिकता देते हैं कि आपका शरीर यहाँ है जो कि भौतिक है और वही शरीर फिर स्वर्ग में आएगा और उसके अलावा उसके अतिरिक्त वो चैतन्य पे कुछ ध्यान नहीं देना चाहते हैं और चैतन्य को दबाना चाहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि आप कुछ और किसी और बात के बारे में ना सोचो, कि यदि आप सोचोगे तो फिर वो बुरा होगा। जबकि हमारी जो भारत की संस्कृति है उसमें सब कुछ आता है और इसलिए जो केवल शरीर को जानने वाले परंपराएं हैं उसको आप भारतीय समझ का एक छोटा सा अंग देख सकते हैं। क्योंकि भारतीय समझ में ये है कि आप एक व्यक्ति है वो धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता है या बड़ी होती है वो धीरे धीरे उसकी समझ ज्यादा गहरी हो जाती है और धीरे धीरे वो ज्यादा अधिक रहस्यमय चीजों को समझ व्यक्ति समझ सकता है। तो उस समझ में सबसे पहले जब बच्चा बड़ा होता है तो वो अपने आप को शरीर के रूप में ही ज्यादा देखता है और इसीलिए भारत में जो हमारी हमारे जो संस्कार थे उसमें जो शिक्षा थी वो ऐसी थी कि जो बच्चा है वो पहले ब्रह्मचर्य में जुड़ जाए कि ब्रह्म क्या है, जो वो भौतिक के परे है, जो जिससे सब कुछ ब्रह्म की समझ आती है वो क्या है। तो ब्रह्म में जो चलना था वो शिक्षा का सबसे पहला अंग था और इसलिए जो बच्चे होते थे, जो बड़े हो जाते थे, उनमें वो सारी शक्तियां, वो संस्कार उनको तैयार करती थी जो पूरे जीवन के रहस्य हैं उनको समझने के लिए। और तभी हम समझ सकते हैं कि 1000 साल पूर्व पूरे विश्व का 40% जो इकोनॉमिक जीडीपी था वो भारत में था। 40%,
इस समय 3 या 3.5% है, और जब अंग्रेज गए 1918 में तब कोई 1.2 या 1.4% था। तो भारत की जो जिस तरीके से बच्चों को बड़ा किया जाता था, और इसमें ये जाति बाती जो सारी चीजें हैं जो कि अंग्रेजों ने हमें दी कि ऊंच नीच का सवाल है, क्योंकि सब जातियां बराबर है, हर एक व्यक्ति बराबर है, हर एक व्यक्ति के भीतर वही पुरुष है, वही आत्मा है, और सब लोग बराबर हैं, जो हमारी कल्पना थी और समाज की व्यवस्था थी वो इतनी इतनी गहरी थी कि इसमें हर एक व्यक्ति को चरम तक पहुंचने का स्थान था। जी, तो इसी में हमारे सारे प्रतीक, जैसे आपने एक बार मैंने कहा कि आपने देवताओं को कहा है कि जो देवताएं हैं वो हमारे मस्तिष्क के कॉग्निशन पॉइंट्स हैं, इसको जरा समझाएं। देखिए, हम समझते कैसे हैं कि हम कहाँ हैं? एक बहुत ही सुंदर वार्तालाप है, संवाद है गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में बृहदारण्यक उपनिषद में, जिसमें गार्गी पूछती है कि पूरे विश्व में क्या है, तो वो कहते हैं जल है, लेकिन जल जल किसके बीच में है, तो जल आकाश के बीच में है, लेकिन ये सब कुछ ओत प्रोत हैं, मतलब एक दूसरे के भीतर हैं, जिसको हिंदी में ओत प्रोत कहते हैं, ओत प्रोत संस्कृत में कहते हैं, तो एक दूसरे के भीतर हैं। तो इससे इसके आगे हमारे भूतों से ऊपर इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, जो ये इंद्रियां हैं वही कॉग्निटिव सेंटर्स हैं। जैसे हमारी इंद्रियां जो मेन इंद्रियां हैं, जैसे हमारी सुनने की इंद्रिय, देखने की इंद्रिय, जो अन्य इंद्रियां हैं और कुछ उप इंद्रियां भी हैं, और ये जो है ये हमारे देवता हैं, क्योंकि यही हमें वो प्रकाश देते हैं, ज्योति देते हैं, जिससे हम विश्व को देख सकते हैं। अब ये सोचिए कि हमारे मस्तिष्क के अंदर कोई प्रकाश नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है, लेकिन इसके होते हुए भी हम अपने आंखों से देख सकते हैं कि हमारे सामने क्या है, या कानों से श्रवण कर सकते हैं, या हाथों से छू सकते हैं। ये जो सब शक्ति है ये हमारे कॉग्निटिव सेंटर्स में है। और अब देखिए एक मजेदार बात है जिसके बारे में मैं अपनी पुस्तक में भी लिखा था, द गॉड्स विदिन, जो कोई 20 वर्ष पूर्व प्रकाशित हुई, कि एक व्यक्ति को स्ट्रोक हो सकता है और उस स्ट्रोक के पश्चात, क्योंकि मस्तिष्क में डैमेज हो जाता है कुछ सेंटर्स का, उस स्ट्रोक के बाद व्यक्ति अभी भी बिल्कुल ठीक तरह से देख सकता है, सब कुछ देख सकता है अपने बाहर, लेकिन एक चीज नहीं समझ सकता, एक चीज को वो देख नहीं पाता, देख कर भी देख नहीं पाता, वो है अक्षर। तो ये लोग फिर पढ़ नहीं सकते, सब कुछ कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, और देखते भी हैं कि ये जैसे अक्षर अ है या क है या ज है, लेकिन जब दिखाएं वो कहेंगे हाँ ये ज है, लेकिन दोबारा उनको दिखाएं तो वो बता नहीं पाएंगे कि अक्षर क्या है। तो ये सूक्ष्म शक्तियां जो हैं वो ही देवता है हमारे भीतर, और उन्हीं देवताओं के कंधों पे हमारी समझ जो विश्व की है, और जो हमारा इसके साथ संवाद होता रहता है अपने जीवन में विश्व के साथ, बाह्य के साथ, तो इन्हीं इंद्रियों से वो उभरती है। लेकिन जो ये इंद्रियां हैं इनका विरोध करती हैं हमारे भीतर ये मानसिकता कि हम केवल शरीर हैं, जो मानसिकता कि हम केवल शरीर हैं, कि हम केवल भूत की उत्पत्ति हैं, वही असुर हैं। तो ये दोनों शक्तियां हमारे भीतर विराजमान हैं, आसुरी और दैवी, और इनके भीतर ये संग्राम होता रहता है, और इनको इनके मंथन से विभूतियां निकलती हैं, जो कि समुद्र मंथन में जिसका प्रसंग होता है कई पुराणों में, जैसे विष्णु पुराण है या अन्य पुराण है, जिससे हमें समझ आती है कि पूरे बाह्य में, वैश्विक या ब्रह्मांड में, और दूसरा हमारे भीतर पिंड में, क्योंकि ब्रह्मांड और पिंड के बीच में समीकरण है, जो हमारे पिंड में क्या हो रहा है, हमारे जीवन का क्या पर्पस है, और हम इस जीवन पे कैसे स्वामित्व पा सकते हैं, किस प्रकार से हम इसके स्वामी बन सकते हैं, इसके बजाय
कि हमारे कर्म जो कि हमारे रिएक्शंस हैं वो हमें एक चीज से दूसरी चीज तक ले जाए और हम उसके हमेशा बंदी रहें, जो कि ज्यादातर लोगों के साथ होता है, क्योंकि वो जो कर्म की जो चेन है, श्रृंखला है, उसमें जुड़े हुए हैं। तो इससे परे होना और अपने जो दैवी, जो हमारे भीतर जो दैवी शक्ति है उससे जुड़ना और आसुरी शक्ति से परे होकर अपने भीतर की शक्ति को लेकर सबसे जो चरम सीमा है चैतन्य तक पहुंचना, वही हमें समझा पाता है कि जीवन का कारण क्या है और जीवन का लक्ष्य क्या है। जी आपने बिल्कुल सही कहा, वो समुद्र मंथन जो है, जो चेतना का जो विशाल सागर है, और उसका मंथन करने से फिर वो विभूतियाँ प्रकट होती हैं। तो ये जो अलग अलग विभूतियाँ प्रकट हुई समुद्र मंथन से, उनकी क्या, उन प्रतीकों का क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, विष्णु पुराण में जो इसका इसके बारे में वर्णन है वो ये है कि दैत्य और दानव बहुत शक्तिशाली हो गए, जैसे कि आजकल भी दैत्य और दानव बहुत शक्तिशाली हमेशा होते रहते हैं, क्योंकि उनमें बहुत, अगर हमें उर्दू का शब्द प्रयोग करें, उन्हें बहुत जज्बा है, और वो जज्बा है ये है कि हम दूसरे पे प्रभुत्व पाएं, कि और एक व्यक्ति को हम अपना दास बनाएं या उनकी महिलाओं को ले आए। तो ये जो शक्ति उनको देती है तो वो उससे बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। तो जो देवता गण है वो फिर हरि के पास जाते हैं, विष्णु के पास जाते हैं। तो विष्णु उन्हें कहते हैं कि आप समुद्र, आप देव दैत्यों को कहिए कि आप समुद्र में जाएंगे, वहां पे मंदर पर्वत को अक्ष एक्सेस बनाएंगे और वासुकी को रस्सी बनाएंगे, तो हम मंथन करेंगे और उसमें कुछ औषधि भी डालेंगे और इस समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा। तो फिर जैसे वो ये शक्ति करते हैं, और जो क्योंकि ये दैत्य बहुत लोभी होते हैं, वो वासुकी के मुख के पास खड़े होते हैं और उस मुख से बहुत ही विषैले हवा निकलती है जिससे उनकी शक्तियां कमजोर हो जाती हैं, विषैले श्वास निकलता है जिससे उनकी शक्ति कमजोर हो जाती है। और ये ऐसे ही महाभारत में भी होता है कि दुर्योधन आगे जाते हैं जहाँ पे कृष्ण जी लेटे हुए होते हैं और युधिष्ठिर पांव की ओर, बिल्कुल वही उस अर्जुन हाँ, और अर्जुन दूसरी ओर से, हाँ युधिष्ठिर और अर्जुन और दुर्योधन। तो अब जब ये मंथन कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले पारिजात निकलता है, जिससे आप जो कल्प वृक्ष हैं जिससे सब विभूतियां निकल सकती हैं। ये मैं हमें एक मिनट ये समझाएं, ये जो प्रतीक हैं, ये जो समुद्र मंथन का, क्योंकि आपने समुद्र को प्रतीक लिया, जो चेतना का सागर है वो समुद्र हो गया, तो अब इस समुद्र का मंथन देवता और दानव दैत्यों या असुरों, तो वो देवता और असुर जो है वो कर रहे हैं, और मंदराचल पर्वत है, तो ये मंदराचल पर्वत किसका प्रतीक है, वासुकी किसका प्रतीक है, ये थोड़ा सा आप हमें और समझें। देखिए, जो हम क्या है, सबसे पहले कई दृष्टिकोण से सब कुछ को देखा जा सकता है। एक दृष्टिकोण ये भी है जिसको बहुत दोहराया जाता है, वो ये है कि जो ये यथार्थ है वो सच्चिदानंद है। तो जो सत है वो विष्णु है, चित है वो शिव है, और जो आनंद है वो देवी है। इसको हम एक प्रकार से देख सकते हैं। जो सत है, जो पूरा विश्व है, जिसमें जो ये तत्व है, विष्णु तत्व है, वो सब जगह विराजमान है, इसलिए उसको विष्णु कहते हैं, क्योंकि वो सब जगह है। और जो चैतन्य है, जो चैतन्य, आप देखिए हमारे भीतर जो कुछ भी हो रहा है, हमारे में परिवर्तन भी होता जाता है, हमारी जो स्मृति है वो बदलती जाती है, भूलते जाते हैं, हमारे जो सेल्स हैं शरीर के जो सेल्स हैं वो भी बदलते जाते हैं, जैसे कि एक दिन से हम दूसरे दिन जाते हैं, लेकिन तब भी हम जो हमारा जो चैतन्य है उसमें एक एक्सेस है, अक्षर है, वो परिवर्तित नहीं होता, जिसको हम शिव कहते हैं, जिसको कृष्ण 13:23 में कहते हैं,
उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरः, जो महेश्वर है हमारे भीतर, ईश्वर है। जी हाँ, तो ये इस समय जो ये प्रतीक है मंदराचल पर्वत जो है, वो जो ये अक्ष है जो कि हमारी हमारे सामान्य जीवन में अब हम समझते हैं हमारी चेतना जो हमारे भीतर शिव है विराजमान है, तो ये उसके हैं। और जो ये वासुकी है जो कि शिव जी के गले में जो सर्प है, कि यही शिव जी के रूप में ही ये सब कुछ समुद्र मंथन हो रहा है, सब कुछ डमरू है, गंगा है जहां से सब कुछ इंस्पिरेशन प्रवाह जिसका होता है। ये जब हम शिव जी की उपासना करें तो इसमें देखिए न्यूरोसाइंस ने अभी कुछ 10-15 साल पहले ये खोज निकाला है कि हमारे न्यूरॉन्स में मिरर सेल्स भी होती हैं। तभी जब हम जैसे एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं, जो आदमी बहुत सलीन होके मैच देखता है तो कभी कभी अपना हाथ भी उठा देता है जैसे वो ही बैट करने वाला हो, क्योंकि जो भी यदि वो स्वयं खेल रहा होता तो वही न्यूरॉन्स एक्साइट होते हैं जैसे जो कि उसके देखने में होते हैं। तो इस सब की कल्पना का करने का और व्यक्ति का जो ध्यान करना होता है उससे वो अपने आप को अपने सामान्य जो अवस्था है जिसमें जो कि भौतिक प्रधान शारीरिक प्रधान अवस्था है और कर्म प्रधान जो कि चेन हमारी है जिसमें हम जुड़े हुए हैं, उससे हटकर हम अपने आप को उपस्थित या स्थित करवा रहे हैं, अपने आसन को उपासन करवा रहे हैं, जिसको उपासना कर रहे हैं उसमें हम अपने को वो जो स्वतंत्रता हम चाहते हैं जिससे कि हम स्वयं शिव बन जाएं, वो फैसिलिटेट हो जाता है, क्योंकि हमने अपने आप को ध्यान से या षोडश उपचार पूजा में जिसमें हम जो देवी देवता का को सबसे पहले रखते हैं फिर उसका उपचार करते हैं विभिन्न प्रकार से, तो धीरे धीरे जैसे वो कर रहे हैं यदि हम सलीन हो जाएं तो हम स्वयं अपनी सामान्य अवस्था से निकलकर हमारी सामान्य अवस्था एक एक जो बंधनों से जुड़ा हुआ है, और ये जो बंधन हैं वो हमारे संस्कारों से ही निकलते हैं। जो संस्कार हैं वो दो चीजें करते हैं, सबसे पहले संस्कार हमें एक मान लीजिए चश्मे देती है जिससे हम देखें, तो उस तब तक ये संस्कार बहुत अच्छी चीज है, लेकिन यदि हम सब कुछ उन्हीं चश्मों से देखते रहे तो हमको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। तो हमें इस उपासना से अपने संस्कारों से परे जाकर संलीन होना है जो हमारे भीतर चैतन्य है, जो लहरें जो चैतन्य रूपी समुद्र है उसमें जो लहरें हैं उनमें डूब जाना है और तभी अमृत निकलता है। तो ये जो समुद्र मंथन है जो हर एक व्यक्ति के भीतर जो पोटेंशियल है जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो कोई भी व्यक्ति सब व्यक्ति इसमें बराबर हैं, और ये चाहे वो नर हो या नारी हो, महिला हो पुरुष हो, कोई भी हो, सब लोगों में उतनी ही शक्ति है इन सब विभूतियों को पाने की, जैसे कि योग में भी बताया जाता है। अब योग सूत्र पढ़े, लेकिन ये सब चीजें जो कि बाद में दर्शन में आई यदि हम देखें तो ये सब पहले से ही जो ऋषि हैं जिन्होंने उपनिषदों में इसके बारे में बात की है, या जो वैदिक ऋषि हैं जिसका बहुत एक कूट प्रकार में कूट भाषा में सूत्रों में सूक्तों में लिखा हुआ है, तो ये हम सब कुछ वहीं पाएंगे। आपने ये भी एक बार बताया था कि ये जो चेतना की जो अवस्थाएं हैं इनके जो संधियां हैं उसको जो पार करने का उद्योग होता है यज्ञ, उसी का नाम है। जी हाँ, हाँ। तो यज्ञ क्या है? देखिए सबसे पहले तीन चीजें हैं, वो ये यज्ञ क्या है, यज्ञ में फिर अग्नि क्या है। हाँ जी हाँ, सबसे पहले कि एक प्रश्न पूछ सकता है, कई वैज्ञानिकों ने भी ये पूछा है
कि विज्ञान हमें कुछ दिखा क्यों पाता है, विज्ञान में इतना सामर्थ्य कहाँ से आता है, ये प्रश्न पूछ सकता है। हम अंधकार में हैं, ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि तब हम इसको समझ कैसे पा रहे हैं। वो इसलिए पा रहे हैं, और जिसके बारे में ऋषियों ने पहले से बता रखा था कि ब्रह्मांड और पिंड में हमारे भीतर एक बंधुत्व है, इनमें एक जुड़ाव है, और इसलिए हमारे मन में वो शक्तियां हैं जो आत्मा है जो हमारे भीतर है। जैसे कृष्ण इसके बारे में बोलते हैं, वही आत्मा या जो महावाक्य है उपनिषदों के, आई एम आत्मा ब्रह्म, मेरी आत्मा पूरा ब्रह्मांड है, या दूसरा है अहम ब्रह्मास्मि, या प्रज्ञानम ब्रह्म। तो ये सब चीजें ये हमें ये बताती हैं कि ये जो बंधुत्व है, जो जुड़ाव है, इन्हीं के कारण हमें ये सब कुछ संभव, यही सब कुछ संभव करती हैं। नहीं तो यदि हम केवल भौतिक होते, केवल भूत की उत्पत्ति होते, तो ये सब कुछ संभव नहीं था। तो ये सबसे पहला ये बात है। दूसरी बात ये है परोक्ष, दूसरी बात ये है, और ये परोक्ष भी वेद इसके बारे में काफी कुछ कहता है। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में ही देखिए, उसमें ये बताया जाता है परोक्ष प्रिया इव ही देवः प्रत्यक्ष द्विषः। जो ये देव हैं, देवता हैं हमारे भीतर, वो परोक्ष को चाहते हैं और वो परोक्ष से प्रिय हैं। और इसका अर्थ ये है कि यदि हम केवल अपनी इंद्रियों का प्रयोग करें तो हम अंत में परोक्ष तक पहुंच जाते हैं। परोक्ष का अर्थ है जिसमें एक पहेली होती है, प्रहेलिका होती है, जब सब कुछ समझ नहीं पाता है कि यदि हम यहाँ हैं और वहां हैं, तो जो संधि स्थान है उसी में परोक्ष होता है। क्योंकि आप जैसे आपने जब तक आप केवल अपने शरीर से जुटे हुए हैं तो उसमें परोक्ष नहीं है। तो आप में, हम में, या एक राक्षस में कोई अंतर नहीं है, हम में या रोबोट में कोई अंतर नहीं है, क्यों, हम भी मैकेनिकल मशीन हैं कुछ हद तक। रोबोट भी एक मैकेनिकल मशीन है, राक्षस भी मैकेनिकल मशीन है, चाहे वो बायोलॉजिकल शरीर में हो लेकिन वो भी मैकेनिकल है, उसमें भी आत्मा नहीं है, क्योंकि उसको जो बताया गया है, राक्षस जो को बताया गया है, वो केवल वही करेगा। तो जो ये संधि स्थान है वही में ज्ञान होता है, उसी संधि स्थान को पहुंचने के लिए यज्ञ किया जाता है। तो ये तीन चीजें हैं, बंधु, परोक्ष और यज्ञ। तो फिर यज्ञ कैसे किया जाता है? यज्ञ के लिए जैसे यज्ञ किया जाता था पहले या अभी भी, आप बाहर जैसे कर रहे हैं, वहाँ अग्नि है, तो वहाँ सवेरा है, प्रातःकाल है, जिस समय एक और बाह्य संधि है, रात्रि और दिन के बीच में संधि है, कुछ अंधेरा है, कुछ उजाला है। तो उस समय जब आप अपने नॉर्मल सामान्य अवस्था को सस्पेंड करते हैं, तो उस समय ये बहुत अनुकूल समय हो जाता है जिसमें आप उस प्रवाह में जुड़ने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि सबसे पहले आप में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यदि आप विभूति चाहते हैं, यदि आप सिद्धि चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इच्छा उसके लिए होनी चाहिए। यदि आप में इच्छा ही ना प्रकट हो तो आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। तो इच्छा शक्ति के लिए तभी शिक्षा बहुत आवश्यक है, या उसके लिए कोई आपको ऐसा मेंटोर हो या कोई गुरु हो जो आपको कहे कि आप घबराइए नहीं, आप में ये सामर्थ्य है, आप श्रद्धा रखिए। तभी श्रद्धा बहुत आवश्यक है इस पूरे प्रवाह में, इस पूरे पथ पे श्रद्धा रखना बहुत आवश्यक है। तो फिर आप उस स्थान पे जाते हैं, अपना आसन ग्रहण करते हैं। तो जो अग्नि है, अग्नि के दो रूप हैं, एक बाह्य है जिसमें जो वाच है, जिसमें आप बोल रहे हैं, जिसमें आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, वो उसका बाह्य रूप है। और दूसरा उसका आंतरिक रूप है, जो कि आंतरिक जो प्रकाश है, जो आंतरिक प्रकाश, एक बाह्य प्रकाश है जो जो शब्द है, जो अंदर की जो अंदर में जो
एक तो ज्वाला है और प्रकाश है। जो ज्वाला है उससे गर्मी भी निकलती है, उससे तप भी होता है, जिसको हम रुद्र कहते हैं। और जो अग्नि है वेद में वो शिव का एक रूप है। और जो इंद्र है, क्योंकि इंद्र सब इंद्रियों के प्रधान है, वो भी एक शिव का रूप है, क्योंकि हम उस समय अपने अपने मंत्रोच्चारण से, मंत्रों से, शब्दों से प्रयत्न कर रहे हैं अपने भौतिक स्थान से ऊपर उठने के लिए। क्योंकि जो हमारा भौतिक स्थान है वो तो मर्त्य है, तो अपने अमरत्व स्थान पे पहुंचने के लिए, जो कि शिव स्थान है, शिव लोक तक पहुंचने के लिए, आपको इस प्रवाह में जाने के लिए तप, तप का भी अंगीकरण होगा। क्योंकि जो ज्वाला है उसमें तप है, उससे पीड़ा भी है, तो वो रुद्र है। तो ये दूसरा जो रूप है शिव का, जो रूप है जो कि वेद में ही भी बताया जाता है, जो कि पाश्चात्य के पंडित हैं, विद्वान हैं, उनकी समझ बहुत ही सुपरफिशियल है, बहुत ही शैलो है, वो इन प्रतीकों में ही डूब गए हैं और वो अपने आप से ही लड़ाई कर रहे हैं अपने ही साथ से, तो वो समझ नहीं पाते ये सब। बिल्कुल इसका पूरा डीपेस्ट अंडरस्टैंडिंग हमें वेद में ही मिलता है कि एक ओर रुद्र है, दूसरी ओर शिव है। ये दोनों एक ही प्रतीक दो हैं, केवल एक ही चीज के, चीज नहीं कहना चाहिए मुझे, ये शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए, चैतन्य के, चैतन्य के दो दो अवस्थाएं हैं, रुद्र और शिव, सौम्य। और फिर क्योंकि ये सब कुछ प्रकृति के द्वारा हो रहा है, तो प्रकृति के प्रतीक देवी हैं, कि देवी के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। या यदि हम शिव की कल्पना करें, उनके पांच जो मुख हैं, सद्योजात, जिसमें हमारी जो चैतन्य की, चैतन्य का जन्म होता है, छोटी छोटी जो चेतनाएं होती है उनका जन्म होता है, फिर रुद्र, फिर तत्पुरुष, तत्पुरुष जो कि जिसमें हम पुरुष को हम जानते हैं, पुरुष हैं, लेकिन हम तत् या सत, जिसमें हम विष्णु के स्थान पे ज्यादा स्थापित हैं, क्योंकि हम उस प्रवाह में हैं जिसमें जो ये बैलेंस है, जो स्थिति है विश्व की, हमारे जीवन की, जिसमें वो हम वो उभरती है। और फिर दूसरा है वामदेव, जिसको हम देवी के रूप से, पार्वती के रूप से देख सकते हैं। और अंत में पांचवा जो मुख है वो है ईशान का। अब देखिए ये सब बहुत प्राचीन है, क्योंकि जो स्मार्ट लोग हैं, जो स्मृति से जुड़े हुए हैं, उनका भी पंचायतन जो पूजा होती है उसमें पांच मूर्तियां होती हैं। और एक मूर्ति होती है शिव की, दूसरी मूर्ति होती है देवी की, बीच में एक मूर्ति होती है गणेश की या स्कंद की, और फिर सामने एक मूर्ति होती है विष्णु की, और एक मूर्ति होती है सूर्य की। तो ये पांच देवताओं की जो पूजा होती है, जो कि हमारे भीतर विराजमान है, जिनके द्वारा, जिनकी सहायता से हम इस संसार को, संसार का तार कर सकते हैं, और दूसरी स्थान पे तरना, दूसरे तट पे, जो कि पार है, जो परा है, ये तट अपरा है, दूसरा तट परा है, जिस परा में पहुंचते पहुंचते उस संधि स्थान पे सारी विभूतियां निकल आती। और समुद्र मंथन में जैसे आप देखते हैं विष भी निकलता है, जैसे हमने रौद्र बात, रौद्र अवस्था की बात की, तप की बात की, वो विष है, और वो हमारी चेतना को ग्रहण करना पड़ता है इस। और वो विष क्या है, वो विष ये है कि ये जीवन मर्त्य है, ये ही सबसे बड़ा विष है, यही सबसे बड़ा पीड़ा का स्थान है। तो उसको अपनी सामान्य चैतन्य ने एक ओ एक प्रकार से भुलाना है, और वो भुलाने को, उस भुलाने को हम शिवजी का हलाहल विष पीने का, और उसको अपने गले तक ही सीमित करने का, वो उसका प्रतीक है। और उसकी जो, उसके जो तप है, उसकी जो गर्मी है, उससे शिवजी का जो गला है वो नीला हो जाता है।
और लेकिन उसी से वो सबसे बड़ी जो करुणा है जो शिव जी पूरे विश्व को देते हैं, जो चैतन्य हमें देता है, वो ये उस करुणा का प्रतीक है। जो नीलकंठ है वो उस करुणा का प्रतीक है। और तो जो ये पांच मुख हैं, जो ये नृत्य होता रहता है शिव जी का, जो हमारी चेतना में नृत्य होता जाता है, यदि हम वो नर्तक स्वयं बन जाएं तब हमें सारी सिद्धियां मिल जाती हैं। क्योंकि जो सारी सिद्धियां हैं वो शिव जी, वो चैतन्य हमें देता है। चैतन्य जो सागर है वो सब सब कुछ का स्रोत है। और यदि हम ये सब कुछ जान पाए तो सब चीजें सफल हो जाती, सब सिद्धियां व्यक्ति को मिल जाती। अति सुंदर, ये तो बिल्कुल आपने समुद्र मंथन को अपरा से परा की यात्रा में पूरा समाहित कर दिया। ये तो इट इज अ वंडरफुल एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल अति सुंदर। दर्शकों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप चुपचाप न देखें, आपको भी निश्चित रूप से कुछ प्रश्न दिमाग में आ रहे होंगे, वो प्रश्न आप प्रोफेसर सुभाष काक जी से अवश्य पूछें, क्योंकि ये एक अत्यंत अद्भुत संयोग है, उसको अन्यथा न जाने दें। तो अब हमने इसीलिए उस दिन जब शिवलिंग के प्रसंग पर चर्चा की थी, आपने उसको शिवलिंग को एक स्तंभ के रूप में प्रकट किया था। जो स्तंभ जो है वो चेतना को भौतिक से बांधता है। तो अब जब ये शिवत्व का दर्शन हो गया, ये जो शिव परिवार है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, यह किसका द्योतक है? देखिए शिव परिवार जो है, देखिए आप देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि विष्णु का कोई बच्चा नहीं है, विष्णु का स्वयं बच्चा नहीं है, लेकिन शिव जी का है, शिव जी और पार्वती का है। क्योंकि शिव जी जो जो चेतना है उससे उत्पत्ति होती है, जबकि जो विष्णु है वो तो सत हैं, विष्णु के भीतर ही सब कुछ सम्मिहित है। जो शिव है वो विष्णु के भीतर सम्मिहित है, तो इसलिए क्योंकि विष्णु सब स्थान पे विराजमान है, तो इसलिए उनके बच्चे होने का उसका उसकी कोई मीनिंग नहीं है। तो अब देखिए जो शिव जी हैं उनका पार्वती प्रकृति है, क्योंकि जो चेतना है ये प्रकृति के भीतर उत्पन्न होती है, प्रकृति के बिना चेतना नहीं हो सकती, तभी चेतना और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये जुड़े हुए हैं एक ऐसे रूप से जिसमें ये एक दूसरे से बिल्कुल एक दूसरे की पूरी इनमें श्रद्धा है, जैसे एक आइडियल पति और पत्नी के बीच में हो, तभी इनको आइडियल पति पत्नी माना जाता है, दंपति माना जाता है। क्योंकि ये जो अर्ध नारीश्वर शिव और देवी दोनों दो पहलू हैं एक ही तत्व के, तो इसीलिए इनके परिवार की बात होती है। और इनके परिवार की इसलिए बात होती है क्योंकि जब आप चेतना का जो क्रम चलता है, उस चेतना में मैंने पहले बताया कि उसमें जो शिव जी का नृत्य है जिसमें जिसको जिनका चित्रण इन पांच मुखों द्वारा होता है, सद्योजात, रुद्र, तत्पुरुष और वामदेव, और या वामदेव के बारे में के बिन के उसको उसके अलावा कभी पार्वती को भी वहां रखा जाता है, देवी को वहां रखा जाता है। तो इस सब को जो इसमें जब ये क्रम शुरू होता है तो उसमें क्योंकि आप काल को तोड़ रहे हो, काल भूत और भविष्य के बीच में संधि सब कुछ रह जाए, जैसे आपने बताया बहुत ही सुंदर प्रकार से आपने इसके बारे में बात की कि जो संधि स्थान है वही सब कुछ है। तो इस संधि स्थान में जो बिगिनिंग कैसे हो, उस बिगिनिंग के लिए क्योंकि आपको यदि प्रवाह काल का है उसको तोड़ने के लिए प्रवाह को जो गणेश हैं, तो गणेश आ जाते हैं, जो कि आपका कोई भी कार्य हो
उसको उसको फैसिलिटेट करें, या लेकिन यदि आपका कार्य बहुत ही भीषण हो तो उसके लिए जो देवताओं के सेनापति हैं वो स्कंद हैं। तो ये दो पुत्र हैं शिव जी के। इस सबको एक और दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है, ये सब कुछ हो रहा है हमारे भीतर हो रहा है, और हमारे भीतर यदि आप ध्यान करना चाहें, यदि आप तंत्र में घुस जाएं, यदि आपकी जो साधना है वो बहुत गंभीर हो जाए, तो आप देखेंगे कि जो आपका आपकी चेतना है अपने शरीर में, जो इसका मूल स्थान है, जिसको मूलाधार कहा जाता है, मूल स्थान या मूलाधार, तो तीन ग्रंथियां हैं शरीर में जो आप पाएंगे। जिसने भी तपस्या तपस किया होगा वो जानता है और जानती है कि सचमुच ये सच है। सबसे पहले मूलाधार है जिसको ब्रह्म ग्रंथि कहा जाता है। तो वहां तभी ब्रह्मा की कल्पना क्यों हो रही है कि ब्रह्म ग्रंथि है जहां से सब कुछ शुरू होता है। फिर भीतर हृदय के बिल्कुल एक और शरीर के बिल्कुल बीच में शिव ग्रंथ विष्णु ग्रंथि है, जिसमें जो कि ऊपर शरीर के नीचे और शरीर के ऊपर में जो समानता स्थित करे, तो वो विष्णु ग्रंथि है, और भावों के बीच में रुद्र ग्रंथि है। तो ये तीन जो महेश का त्रिमूर्ति का जो परिकल्पना है वो हमारे भीतर है। ब्रह्मा विष्णु और महेश या रुद्र हमारे भीतर है, विराजमान है, और ये सब कुछ जो हमारे जीवन में होता है और जो जीवन में कठिनाइयां आती हैं और उन कठिनाइयों को पार कैसे किया जाता है, ये इस सब कुछ पे निर्भर होता है कि हम इन देवताओं से और देवी से, क्योंकि देवी हमें शक्ति देती है, कैसे हम ऊपर नीचे जाएं, ऊपर चढ़ें, और हमारे अपनी जो अपनी व्यक्तित्व चेतना है उसको ऊपर ले जाएं, तो उससे हमें अनुभूतियां मिलती हैं। तो इसलिए जो किसी अपने जो भी उसका साधना का पथ हो, लेकिन साधना बिना ये नहीं हो सकता, साधन बिना ये नहीं हो सकता। यदि व्यक्ति सचमुच साधना में संलीन है बिल्कुल अहंकार बिना, और क्यों अहंकार बिना, क्योंकि यदि आप में अहंकार हो जाए तो आप ये सोचने लग रहे हैं कि मेरा शरीर, मैं सचमुच शक्तिशाली हूं, जैसे दानव लोग समझते हैं। ज्यों ही आप अपने आप को शक्तिशाली समझने लगें और ये भूल जाएं कि जो भी आप में शक्तियां हैं वो देवी कृपा और दैवी कृपा आप पे पहुंची हैं, या आपने पहले संस्कार किए हैं, या आप क्या आपकी ऐसी ऐसी टेम्परामेंट है जिससे आप जिसमें पैदा हुए हैं कि आपके लिए सरल हो जाए, सरल हो गया है। तो यदि आप में अहंकार आए तो बस फिर आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो यही आपको उस जो प्रवाह है, सागर का प्रवाह है, उसमें विलीन होना है, और ये परोक्ष है, ये काउंटर इंटुइटिव है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपको वहां पहुंचना है, लेकिन आप वहां तभी पहुंच सकते हैं जब आप अपने आप को उस सागर में डिसॉल्व करवा लें। जैसे एक नमक की मूर्ति है, नमक की मूर्ति क्रॉस करना चाहती है, हम भी एक नमक की मूर्ति समान है, लेकिन हम उस प्रकार क्रॉस करेंगे यदि हम सागर की लहरों में विलीन हो जाएं, और फिर उस विलीन होते हुए, उस ओत प्रोत होते हुए हम स्वयं सागर बन जाते हैं, उसी को अमर्त्य होना माना जाता है। ये गणेश जी का जो मानव रूपी सिर काट कर वहाँ पर पति का सिर लगा दिया है, तो क्या ये मानव के अहंकार को नष्ट करके और वहाँ पर एक समभाव की स्थापना की गई है, और क्या इसीलिए गणेश जी का आह्वान किया जाता है किसी नए कार्य के पूर्व कि आप किसी भी नए कार्य में बिना अहंकार के प्रवेश कर सके, इसका क्या द्योतक है? संजय जी, जो आपने कहा बहुत ही सुंदर कहा, जो अभी आपने कहा ये बहुत ही रहस्य की बात आपने कही। सचमुच यही है कि यदि हम ये समझने लगे कि हम केवल, क्योंकि हम मानव शरीर में हैं और देवताओं का भी हम
की कल्पना हम मानव शरीर में कर रहे हैं, तो इसलिए हम अन्य जो प्रकृति है उससे ऊपर हैं, और वो भी एक अहंकार हो सकता है। और इस अहंकार को कुछ चीजें जो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में होती हैं, सब कुछ कॉन्शियस माइंड में नहीं होती, वो भी रोड़े बन सकती हैं हमारे पथ में। और सचमुच जो आपने सचमुच बात कही, मैंने ये सुनी नहीं थी, बहुत ही सुंदर बात आपने कही, ये सचमुच एक यही शायद इसका इसका जो उत्तर है कि ऐसी कल्पना क्यों की गई। और ये कल्पना की गई कि जो उनका वाहन है वो एक मूषक है। अब सोचिए, इतना विशाल शरीर और वाहन मूषक, ये आपको दोबारा परोक्ष की ओर ले रहा है। क्योंकि यदि आप अपना जीवन ऐसे जी रहे हो कि आपको परोक्ष दिख नहीं रहा है अपने जीवन में, तो इसका मतलब है आप सचमुच गहराई तक नहीं पहुंचे हो। सबसे पहले व्यक्ति को यज्ञ के द्वारा पुनर्जीवित होना, जो यज्ञ है वो व्यक्ति के पुनर्जीवन के लिए है। जो पुनर्जीवन जैसे संस्कार में जैसे यज्ञोपवीत जब किया जाता था, वो उसका एक प्रतीक था। जो ये यज्ञोपवीत है, ये व्यक्ति के जीवन में हमेशा होता रहता है। जैसे व्यक्ति विभिन्न जो छोटी छोटी नदियां हैं उनको तार कर रहा है, जो अहंकार की नदियां हैं उनको तार करता है, तो उस प्रत्येक तार करने से एक तो सीढ़ी में ऊपर चढ़ रहा है और उससे जो हमारा परिवर्तन हो रहा है और दूसरा जीवन हम अपना रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही रहस्यमय पथ है, बहुत ही रहस्यमय। और ऐसा मैं आपको बता सकता हूं कि मैं इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी अद्भुत जो इसमें ज्ञान है उसकी परिकल्पना शायद किसी ने नहीं की है। जो हमारी सनातन संस्कृति में ये सब कुछ ज्ञान है जिसको हमने पिछले 3 पीढ़ियों को वंचित कर रखा है, क्योंकि हमने इसके बारे में कुछ नहीं बताया है अपने बच्चों को, और जो हमारे पूरे मीडिया है उसके जो जर्नलिस्ट है उनको कुछ नहीं मालूम है स्वयं, तो उसके बारे में क्या लिखें। तो 3 पीढ़ियां को हमने अंधकार में रखा है, लेकिन अब सौभाग्यवश ये सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा है। जी हाँ, इसीलिए मैं देखता हूँ जो गणेश जी के साथ जो बहुत सारे प्रतीक जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, वे भी कई बार इस और अंकित करते हैं। जैसे उनकी जो सूंड है, वो सूंड जो है वो सटल और ग्रॉस, जिस प्रकार से सूंड जो है वो हर प्रकार के पदार्थ को चुन लेती है, चाहे वो सटल हो चाहे ग्रॉस हो, उसका वो संभवतः वो प्रतीक है। और जिस प्रकार से वो एक दंत हैं, तो 2 दंत जो हैं वो एक द्वैत की ओर इंगित करती है, एक दंत संभवतः द्वैत की ओर इंगित करता है। फिर वो जो उनके जो जिसको लंबोदर कहते हैं, इतना लंबोदर है, तो उसके बारे में एक कथा, हाँ एक कथा मैंने सुनी थी कि उनको जो है वो कुबेर के यहाँ आमंत्रित किया गया, तो कुबेर के वहाँ सारे पकवान, बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया गया, लेकिन गणेश जी ने जितना था सब उतरस्त कर लिया, और उसके बाद भी कहा मेरी पेट नहीं भरा भाई, अभी तो और कुछ जो वहाँ पे और कुछ जितनी भी चीज़ें थी जो वहाँ पर साज सज्जा थी उसको भी उन्होंने उद्रस्त करना आरंभ कर दिया। तो फिर कुबेर जी ने शिव भगवान को याद किया, तो उन्होंने 3 भुने हुए चावल वहाँ गणेश जी को दिए और उससे उनकी क्षुधा मिट गई। ये इतना बड़ा प्रतीक है कि आप गणेश जी की जो तृप्ति है वो सब कुछ कंज्यूम कर सकते हैं, और सब कुछ कंज्यूम जिसको वो करते हैं वो ग्रॉस ना होके सटल अधिक है। इस तरह की एक कथा मैंने सुनी। इसको थोड़ा सा रिलेट करें, गणेश जी के साथ ही जो एसोसिएटेड सिंबल्स हैं ये क्या है? नहीं, बहुत बहुत सुंदर जो आप कह रहे हैं, क्योंकि आपने कुबेर की बात की, मैं ये भी थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा कि जो भारत के बाहर जैसे मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया में,
या पूर्व चीन में, जापान में कुबेर की का पूजन अभी भी होता है चीन और जापान में। उन्होंने इसको कुछ और नाम रखा है, वैश्रवण, वैश्रवण के नाम से पूजा की जाती है। और जो वैश्रवण है, जो श्रवण है वो हमारा सुनना है, जो श्रवण है ये काल का एक प्रतीक है। देखिए शिव जी को जो चैतन्य है उसको आप दो प्रकार से देख सकते हैं, एक तो जो हम कुछ जिसका हमें आभास हो रहा है वो हमारे चैतन्य का एक प्रतीक है, लेकिन ये आभास कैसे हो रहा है, ये आभास काल में होता है। तो जो शिवजी को तभी जो, क्योंकि इतनी गूढ़ अंडरस्टैंडिंग भारत में थी, तो शिवजी का एक दूसरा रूप महाकाल है, लेकिन जो महाकाल को या भैरव के रूप से डर जाएं और वो आगे बढ़ ना पाए, क्योंकि यदि आप काल का पूजन कर रहे हैं, काल को धारण कर रहे हैं, वो एक प्रकार से एक पथ है जिससे आप अपने भीतर के शिव तक पहुंच जाएं, शिवत्व तक पहुंच जाएं, तो दूसरा जो पथ उतना कठोर नहीं है उसमें आप जो वैश्रवण है, जो कि जिसमें आप बाह्य चीजों की बात कर रहे हैं, कुबेर धन की बात कर रहे हैं, तो इस जो उत्तर में संस्कृतियां थी जैसे मध्य एशिया, जैसे खोतान या कुचा या समरकंद में, तो या जो ये ज़राथुष्ट्री लोग थे, उन्होंने भी इस सब को, क्योंकि इतना बहुत गहरा इसमें ज्ञान है, उन्होंने भी इसको अपना लिया। तो उन्होंने वैश्रवण का नाम रखा जुर्वान, जो जुर्वान है वो वैश्रवण का नाम है, जिसको फिर फारसी लोगों ने या ईरानी लोगों ने अपना लिया, और इन्होंने भाई लोगों ने जो पूर्व की ओर जो संस्कृति है उन्होंने भी अपना लिया। तो ये जो इसकी समझ है, जो प्रतीक और हैं इनके गणेश जी के, वो आपको सबसे पहले जो आपने बहुत ही अच्छी सुंदर बात कही कि आप ध्यान करें किस प्रकार से जो आपके भीतर अनकॉन्शियस में भी जो एटीट्यूड्स हैं, जो धारणाएं हैं जो आपको रोक रही हैं, उन पे यदि आप सचमुच इनका इनकी गणेश जी की उपासना करते हैं, इनको इनका ध्यान करते हैं, उनको इनका फिर वो षोडश उपचार पूजा करते हैं, तो यदि आप इन सब पे ध्यान करें तो आपने जो जिन चीजों से आप बंधे हुए हैं उससे बाहर निकलकर आपका वो पुनर्जीवन और आपके मस्तिष्क में, इस पुनर्जीवन में जैसे अब हमें फिजियोलॉजी से ये मालूम है, वो सब करने से आपके ब्रेन की रीऑर्गेनाइजेशन भी होती है। जो भी आप ध्यान करते हो इन दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, जो आपका ब्रेन कर रहा है उससे ब्रेन की रीऑर्गेनाइजेशन भी होती रहती है, और उस रीऑर्गेनाइजेशन से आपका फिजिकल पुनर्जन्म भी होता है। ये केवल स्मृति का पुनर्जन्म नहीं है, आप स्मृतियों को मिटा के नई स्मृतियों का धारण नहीं कर रहे हैं, आपका फिजिकली रिबर्थ हो रही है इसी जीवन में। जी मुझे लगता है आज तो समय इतने में ही हो गया इसके पूरा करने के लिए, और दो 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 तीन और एपिसोड करने पड़ेंगे, तो मैं आज तो यही समाप्त करना चाहूँगा आपकी अनुमति से, और दर्शकों के फिर प्रश्न ले लेते हैं। दर्शकों से भी ये अनुरोध है कि आप कृपया इस वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, और ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये हमारे लिंक्स हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उनको क्लिक कर सकते हैं। श्रीनिवास राव जी धन्यवाद आपको। रन डे, भगवान कृष्ण के विराट रूप में सिर्फ देवता ही क्यों हैं, देवियां क्यों नहीं हैं? ये मुझे मालूम नहीं था केवल देवता है, व्यक्ति ध्यान नहीं देता है, मैंने सोचा शायद उसमें देवियां भी हैं, लेकिन जो पूरा विराट रूप है, जो देवी है, वो पूरे
पूरा जो ब्रह्मांड है वो देवी स्वरूप भी है, ये भी आप समझ सकते हैं। यदि आप वेद में जो देवी सूक्त है उसमें देवी कहती है मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ब्रह्मांड हूँ, मैं मेरे से ही, मेरी शक्ति से ही जो अन्य देवता हैं वो शक्ति पाते हैं। तो ये शायद जो कि उसका चित्रण करता है उसकी मानसिकता पे निर्भर है, क्योंकि उसमें शायद जहां तक मेरी स्मृति है इसके बारे में ये नहीं बताया जाता है, भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहते हैं कि मैं देवी स्वरूप भी हूँ ये, लेकिन ये तो हम सब कुछ मानते हैं कि और कई उपनिषद और कई ग्रंथ ये कहते हैं कि देवी और देवता वो सब एक है। और जो शब्द देवता है वो देवी पे भी लगता है, देवी को भी देवता कहते हैं। हाँ, ये शायद आप कंफर्म करें, सच सत्य है कि जो देवता शब्द है वो देवी के लिए भी प्रयोग होता है। ये तो इसका मेरे ख्याल से 9वें अध्याय का श्लोक है, ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम्। तो आप किसी की भी आराधना करें, देवी देवता कुछ भी, वो मेरे ही ऊपर अंततः आएगी। और जो परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा है, क्योंकि सत है, क्योंकि विष्णु है वो सत है, जो सत है वो पूरा आधार है सब कुछ का, तो इसमें सब कुछ है, देवी देवता है। जी नेक्स्ट रतन जी पूछ रहे हैं, सर द ऑफिशियल रीजन ऑफ कृष्णा कमिंग टू अर्थ वाज टू किल शिशुपाल, दंतक्वार, जय विजय एंड कंस, द कोवर्ट रीजन वाज टू डेसिमेट ऑल द कौरवास टेस्ट ट्यूब बेबीज एज देयर डिसेंडेंट्स विल बी बर्डन ऑन अर्थ, डू बोथ ऑफ यू एग्री? मैं तो ये कहूंगा कि प्रिंसिपल रीजन वाज कि पूरे विश्व को यह ज्ञान देना, जो संवाद अर्जुन और कृष्ण के बीच में होता है वो पूरे विश्व को का संबोधन, विश्व के प्रति संबोधन था कि एक काल आएगा जब पूरे विश्व में अंधकार होगा, तब इस संवाद को सुनकर लोगों को शांति मिलेगी और वो फिर जुड़ जाएंगे अपने स्वयं के पथ पर जिससे उनमें शक्ति आए। जी हाँ, लेकिन महाभारत में ये प्रसंग आता है कि बाद में तो अर्जुन स्वयं भूल गए थे और फिर उन्होंने भगवान से कहा कि दोबारा बताइए मुझको, मुझे तो याद नहीं है आपने क्या कहा था। और कुछ लोग और लोगों ने भी पूछा था कि भाई आपने क्या कहा था, तो उन्होंने कहा था वो अर्जुन के लिए था, ये थोड़ी था। देखिए तीन चीजें हैं ना, ज्ञान, स्मृति और अपोह। जो अपोह है वो भूलना है, ये स्वाभाविक है हर एक व्यक्ति के लिए। अपोह तीन चीजें हैं, ये शैव परंपरा में भी आता है और भगवान कृष्ण भी कहते हैं, लेकिन केवल एक छोटा सा अंतर है कि भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं पहले स्मृति आती है, फिर ज्ञान आता है, फिर अपोहन होता है, फिर फॉरगेटिंग होती है, जबकि शैव परंपरा में, क्योंकि शिव जी आपके भीतर है, आप फोकस स्ट्रेस एक छोटी सी अलग तरीके से देख रहे हैं, तो आप कहते हैं ज्ञान पहले आता है क्योंकि ज्ञान आपके भीतर है, फिर स्मृति आती है, फिर अपोहन होता है। तो अपोहन स्वाभाविक है हर एक व्यक्ति के लिए, जो ज्ञानी लोग भी होते हैं उनमें भी अपोहन हो जाता है। जी नेक्स्ट अमित सिंह लूथरा, whether cognitive senses are being termed as devi devata per his view or cognition of self itself is the reason of insight beyond senses? देखिए जो इंद्रियां, देखिए आप इंद्र को इंद्र क्यों कहते हैं, जो ये मेरा व्यू नहीं है, इंद्र अर्थात जो प्रमुख इंद्री हो, तो ये इंद्रियां कॉग्निटिव सेंटर्स हैं, ये तो बिल्कुल नेचुरल है। तो जो इंद्रियां हैं वही देवता हैं, और इसके बारे में कई प्रसंग आते हैं, निरुक्त में आता है, अन्य जो ग्रंथ हैं उसमें ये बताया जाता है कि सचमुच हमारे भीतर ही देवी देवता विराजमान है। और इसका चित्रण जैसे आप देखिए श्री चक्र में होता है,
विद्या श्री विद्या में होता है कि आप जब अपने भीतर चलने लगे ध्यान से तो आप इंद्रियों तक पहुंचोगे और वो विभिन्न स्थानों में जो चक्र हैं वो उसमें विराजमान हैं, उन देवी देवताओं को पाओगे। तो ये बियॉन्ड सेंसेस आप पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं, परात तक आप पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आपके भीतर आपके पास जो उपलब्धि है वो केवल इंद्रियों की है, और जो इंद्रियों की उपलब्धि है वो आप प्रज्ञा के रूप में पा सकते हो, लेकिन भाषा रूप में आप उसका परिवर्तन नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो भाषा है वो भौतिक चीजों को जोड़ती है, वो बाह्य को जोड़ती है। जो भाषा है जो अपने भीतर है उसको जोड़ नहीं सकती, तो इसका आप केवल आभास कर सकते हो, परा का आप केवल आभास कर सकते हो और आपका परिवर्तन कर सकती है, उसके बारे में आप बात नहीं कर सकते। जी हाँ बिल्कुल, इसीलिए पूरे सनातन को एक एक्सपीरियंशियल फ्रेमवर्क कहा जाता है और एब्रहमिक को एक इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क कहा जाता है। मैं वो नहीं कहूंगा इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क, वो तो एक एक शारीरिक प्रधान शरीर प्रधान वर्णन है विश्व का, कि शरीर प्रधान, एक तो ये भौतिक है, पृथ्वी हुई, सूर्य है, ये है वो है, और ये सब यंत्र हैं और उसमें हमारी उत्पत्ति हुई है और हम भी एक यंत्र हैं, और क्योंकि हम हर एक चीज को यंत्र रूप में देख रहे हैं तो, और इससे आपको व्यक्ति में बहुत दुख होगा कि ये इस यंत्र की मृत्यु होगी, तो इसलिए कल्पना की गई कि एक स्वर्ग है जिसमें आपका शरीर दोबारा पहुंचेगा, और ये नहीं बताया जाता किस रूप में, जब आप 16 वर्ष के थे या 99 वर्ष के थे, जब आप चल भी नहीं पा रहे थे, तो उस रूप में होगा और आपको ये चीजें मिलेंगी। और लेकिन ये बड़ी मजेदार बात है कि जो ये शब्द है पैराडाइज का, ये भी संस्कृत से ही निकला हुआ है, संस्कृत से ये अवेस्ता के द्वारा फिर ईरान के द्वारा यूरोप पहुंचा, परिधायस जो कि चारों ओर से है, धायस जहां सब चीजें मिलती हैं, तो उससे पैर फारसी में पैरा जायदी शब्द निकला, ये आप उसका उसको आप ट्रेस कर सकते हो, और पैरी जायदी से अंत में यूरोप में पैराडाइज निकला, मिडल ईस्ट से इज़राइल या पैलेस्टाइन के द्वारा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी। प्रवीण सिंघानिया, नेक्स्ट। सचिन चौहान, महानुभावों को मेरा नमन, क्या समुद्र मंथन में समुद्र मन है? समुद्र मन है मंदरांचल, शिव वासुकी, मनुष्य शरीर विभूतियां कर्म अनुसार सुख दुख मान सकते हैं या कोई और उचित अर्थ हो सकता है? जो आप कह रहे हैं बहुत अनुकूल लगता है इसको, इसकी आप ऐसी समझ भी कर सकते हैं कि हाँ समुद्र, लेकिन समुद्र पूरा चैतन्य का सागर है, जो मन है वो आप कल्पना कर रहे हो कि आप या एक देवता हो उसमें, या उसमें एक असुर हो या दानव हो, इस पे निर्भर होगा कि आप कैसे, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो क्या है, या आप सबको कंट्रोल करना चाहते हो तो आप दानव हो, या आप अपनी इंद्रियों से जुड़े हुए हो इन ए डिस्पैशनेट वे, नॉन अहंकार वे, तो आप फिर देवता से, देवता के अधिक निकट हो, दानव रूप के मुकाबले में देवता रूप से ज्यादा निकट हो। तो जो इस समुद्र में फिर इस ये जो ये परोक्ष है कि आप अपनी अपने अहंकार को, अहम को मिटाकर अपने आप को दोबारा पुनर्जीवन, वही जीवन का तात्पर्य है। ये कुछ काउंटर इंट्यूटिव है कि आप जुड़ नहीं सकते, आपका इतना प्रेम नहीं हो सकता जो सब कुछ भूत में था, और ये स्वाभाविक है कि मैं अपने बचपन की स्मृतियों से जुड़ा रहना चाहता हूँ,
लेकिन देखिए जो पशु संसार है जिसमें जो पक्षी माँ पक्षी है वो अपने बच्चों से कितना प्रेम करती है, लेकिन एक समय आता है जब जो उसका बच्चा 1 साल हो जाता है तो माँ उसको धकेल के बाहर फेंक देती है कि तुम अब निकलो, कि प्रेम इतना है कि मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया, तुम भी हमेशा भूत से जुड़े नहीं रह सकते, क्योंकि भूत जो एक केवल स्मृति है, भूत कुछ नहीं है, भूत अब नहीं है, जो गुजर गया वो अब नहीं है, केवल ये लम्हा है, केवल ये मोमेंट है, ये पल है, और इस पल में आप कैसे हो, और यदि आप इस पल में अपने आप में सचमुच देवता से सम्मुख हो तो उस समय आप ये सब कुछ देख पाओगे जो जिसमें पहले धुंधलाहट थी, कि आप लोगों को जीवन में या अन्य चीजों में इतनी कठिनाइयां क्यों आती है, क्योंकि वो सब कुछ जो उनके आसपास हो रहा होता है उसको स्पष्टता से नहीं देख पाते। यदि उस धुंधलावट को आप हटा लो, जो आवरण है आपके मन के इर्द गिर्द उसको आप हटा लो, तब आप जो वो प्रकाश आपके भीतर है उस प्रकाश से जुड़कर उसी प्रकाश से सब कुछ निकलता है, वही समुद्र मंथन है। और जो ये सारे प्रतीक हैं वो बताते हैं कि किस प्रकार से और या किस श्रृंखला में आपको ये शक्तियां मिलती हैं। जी नेक्स्ट अमित सिंह लूथरा, द सेंसेस विद इन एज देवी देवता इज अ बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट, वेयर एज पर हिंदू व्यू शिवा इज बियॉन्ड सेंसेस, द सेल्फ गोज बियॉन्ड सेंसेस टू नो ऑल परवेडिंग, डू यू एग्री? देखिए आप अमित सिंह जी, आप सचमुच ठीक कह रहे हैं कि जो चैतन्य है वो परा है, वो तभी वो अनंत है, वो परा है, लेकिन जैसे संजय जी पहले बोल रहे थे, जो परा और अपरा के बीच में जो संधि स्थान है उस पर पहुंचना ही वो है। तो हम जब चैतन्य कहते हैं, हम ये जो आपका सामान्य चैतन्य है, जो मन का चैतन्य है, उसकी बात नहीं कर रहे, जो प्रकाश है, प्रकाश को आप उसको अपने हथेली में नहीं ले सकते, प्रकाश का, प्रकाश में आप लीन हो सकते हो, प्रकाश को आप अपनी हथेली में नहीं ले सकते। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बुद्धिस्ट जो सेल्फ है वो सेंसेस के बियॉन्ड है, तो आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे। जी नेक्स्ट रोहन सर, रिगार्डिंग द डेटिंग ऑफ कली युग, मायन सिविलाइजेशन वाज सेट अप बाय माया दानव हु एस्केप्ड फ्रॉम इंडिया टू पेरू बिफोर महाभारत वॉर ड्यू टू फियर ऑफ कृष्णा, मायन कैलेंडर इज द स्पैन ऑफ कली युग फ्रॉम 4000 BC कृष्णास डेथ टू 21st डिसंबर 2012, द टाइम स्पैन ऑफ फोर युग इज नॉट 4.32 मिलियन ईयर्स, योर कमेंट्स? वैसे तो ऑफ टॉपिक है, आप चाहे तो इसका। जो ये मायन संस्कृति है वो दूसरी बात है, उस पे शायद पहुंचना इस समय हमारे पास समय नहीं है, लेकिन जो ये डेटिंग ऑफ कलयुग है इसके बारे में कई थियोरीज हैं, और लेकिन 634 आईहोले में एक शिलालेख है, एक इंस्क्रिप्शन है, जिसमें ये बताया गया है कि कलयुग जो महाभारत का युद्ध था ये आज से 3600 वर्ष पूर्व हुआ था, जो कि हमें बताता है कि ये 3102 BCE में था। तो इसके इंस्क्रिप्शनल जो एविडेंस है वो बहुत लेट है, लेकिन ये बात भी सच है कि जब यूनानी लोग भारत में आए तो उन्होंने बताया कि भारत में एक परंपरा है राजाओं की जीनियोलॉजी की, जो कि 4500 साल पुरानी है और उसमें 153 राजाओं का नाम है। तो इसलिए एक परंपरा थी जिसके बारे में यहूदी हमें बताते हैं, यहूदी इतिहासकार जो थे। जी नेक्स्ट अमित सिंह लूथरा अगेन, द इंटीग्रेशन एंड फोकस ऑन थर्ड आई विद इन विद अ बियॉन्ड फोकस ऑन बॉडीली सेंसेस लीड्स टू हायर विजडम इनसाइट, थस द सेंसेस रिवील द ट्रू फॉर्म ऑफ नेचर
physical world to revelation and harmony received from unification of self, then senses as is are inferior to higher self. Do you agree? और वो थर्ड आई जो है वो आप ध्यान का जो स्थान है उसके बारे में बात कर रहे हैं. हाँ, जो आप कह रहे हैं ठीक है, जो उस ध्यान से ही, जैसे मैं आपको बता रहा था, ब्रेन साइंस ने, न्यूरो साइंस ने ये बताया है कि जैसे जब आप ध्यान करते हैं आपके आपका पूरे मस्तिष्क में रीऑर्गेनाइजेशन होती है. और मैं आपको इसके बारे में एक रोचक रिसर्च के बारे में बताता हूँ. एक बंदर था, उसको उन्होंने क्या किया कि उसकी तीन उंगलियां उन्होंने बांध ली और उसको जो जो बड़ी उंगली थी उससे हमेशा एक पहिया था उसको फिराया घंटों के बाद, घंटों घंटों वो करता ही रहा. तो उन्होंने देखा, क्योंकि वो केवल उस उंगली का प्रयोग कर रहा था, जब उन्होंने उसका ब्रेन खोला सर्जरी की तो उन्होंने देखा कि जो वो रीजन है जो कि, क्योंकि पूरा जो शरीर है ये ब्रेन में मैप्ड है, मोटर कॉर्टेक्स में मैप्ड है, और उसके उसका फिजिकल एरियाज भी क्या हैं ये जो साइंटिस्ट हैं वो जानते हैं. तो उन्होंने देखा कि जो रीजन इस उंगली को मैप कर रहा था वो बड़ा हो गया था, और जो उंगलियों का प्रयोग नहीं हुआ था वो सिकुड़ गई थी. तो इसलिए जो भी आप करते हैं जीवन में उससे आपके मस्तिष्क में रीऑर्गेनाइजेशन होती है. तो आप जो कह रहे हैं ठीक है. नेक्स्ट, प्रवीण सिंघानिया, प्रणाम प्रोफेसर साहब. व्हाट इज द मैकेनिज्म बाय व्हिच देवता हैव देयर ओन प्लेस एंड येट मैनिफेस्ट विद इन ऑल ऑफ अस इंडिविजुअल्स? देखिए, जो देवता है, जो इंद्रियां हैं वो हर एक व्यक्ति में हैं. यदि आप ये भी सब लोग मान लेंगे कि हमारे हर एक व्यक्ति के भीतर एक साक्षी है, जो साक्षी है वो निष्पक्ष है, उसकी जो प्रज्ञा है या जो उसके सुझाव है वो हर एक व्यक्ति मानता है. जो वो साक्षी है वही जो सेल्फ की हम बात कर रहे थे वो वही है, वही देवता. क्योंकि कई अन्य देवता है आप देख रहे हैं, हर एक व्यक्ति वही चीज देख रहा है. तो आप उस आप ये बात कर रहे हैं कि आप देखने के देवता की बात कर रहे हो, लेकिन हम जो ये ज्ञानेंद्रियां हैं उनको यदि हम सेपरेट ना करें, ये विभिन्न ज्ञानेंद्रियां हैं, और जो ये ज्ञानेंद्रियां कर रही हैं इन सब चीजों का सिंथेसिस होता है हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में. तो जो ये मैकेनिज्म हैं ये यूनिवर्सल हैं, और जो ये यूनिवर्सैलिटी है वो ही जो सेल्फ है उसका रिफ्लेक्शन है. ये सब कुछ कहा जा सकता है जी. नेक्स्ट, एस वी सी श्री चटियार, नमस्कार टू काकन दीक्षित महोदय. इफ शिव इज द ओनली शिव इज ओनली सिंबॉलिक अकॉर्डिंग टू यू श्री काक महोदय, how do you explain the physical existence of mount kailash pyramid energy center kailash temple of ellora shakti peethams etc equivalencies on earth also where did all of them go? dekhiye jo shiv hain wo keval apne bhitar nahi ho bhaiye bhi hain dono hain jo shiv hain yadi wo apne aap ko manifest kar rahe hain hamare mastishk mein shiv manifest kar rahe hain dharti pe bhi तभी शक्ति स्थान है, शक्ति स्थल है. तो धरती पे भी उनका मैनिफेस्टेशन है, माउंट कैलाश पे भी उनका का मैनिफेस्टेशन है. तो तभी तो तीर्थ होता था, तीर्थ स्थान व्यक्ति क्यों जाता था कि कुछ स्थल ऐसे हैं जहां पे शक्ति ज्यादा मात्रा में स्थित उपस्थित है, और वहां पे पहुंच के ये जो एक बहुत बड़ा यज्ञ होता है जीवन में, यह यज्ञ आप अग्नि का यज्ञ करते हो या आप एक तीर्थ स्थान में जाकर भी वो तार कर सकते हो. क्योंकि यदि अग्नि यज्ञ के द्वारा आप एक प्रयत्न कर रहे हो तरने में एक तट से दूसरे, अपरा से परा, एक तीर्थ स्थान पहुंचकर भी आप इस प्रतीकात्मक वैसा ही तार कर सकते हो. तो इसमें कोई अपोजिशन नहीं है कि ये जो प्रतीक हमारे भीतर हैं
मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रतीक है, शिव प्रतीक है, ये शिव हैं, वही एक रियलिटी है, लेकिन हम उनको भाषा में इन प्रतीकों द्वारा उनसे जुड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शिव जी हमारी कल्पना की प्रोडक्ट है, ये नहीं मैं कह रहा। अभी आपने एक पेपर लिखा था, आपने उसमें वो 33 कोटि देवी देवता और 33 सेंसेस की विवेचना की थी, जो पिछला प्रश्न हाँ। था उस संदर्भ में मेरे विचार से उसका भी उल्लेख किया जा सकता है। हाँ देखिए, वो एक संवाद है बृहदारण्यक में कि कितने देवता हैं, कि अब भारतीय फिल्मों में या जो जर्नलिस्ट हैं वो इरिस्पॉन्सिबली कहते हैं कि हिंदू लोग 33 करोड़ देवताओं में, देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं, ऐसा नहीं है। तो उसमें ये लिखा है कि 33 देवता हैं, क्या सचमुच 33 देवता हैं। जो 33 देवता हैं वो क्या है, 33 देवता हैं, एक तो 27 जो नक्षत्र हैं, विभिन्न प्रकार से इनको जोड़ा जा सकता है। एक तो ये है कि 11 आवरण और अनावरण के जो रूप हैं, जो हमारे चैतन्य के, हमारे मन के, वो 11 हैं, वो रुद्र के वाले हैं। 11 जमा 12 जो हैं वो आदित्य के हैं, क्योंकि 12 महीने होते हैं तो 23 हो गए। फिर मन के जो अहंकार ये वो जोड़ के 33 हो जाते हैं। तो लेकिन ये केवल, जैसे मैं ओतप्रोत की बात कर रहा था, ये केवल एक ही के, क्योंकि उसके बाद पहले कहते हैं वो 33 हैं, वो फिर कहते हैं 6 हैं, फिर कहते हैं 3 हैं, जैसे कि गायत्री मंत्र में भू भुवा स्वाहा, पृथ्वी अंतरिक्ष और स्वर्ग, इनको हम, या सूर्य इनको हम कह सकते हैं, या हमारे भीतर हमारा शरीर, हमारे प्राण और हमारे भीतर हमारी अंतरात्मा, और या फिर 3 हैं, फिर 2 हैं, 2 हैं, और ये 2 कौन हैं, पुरुष और प्रकृति, या केवल 1 हैं। तो आप अंत में अद्वैत तक पहुंच जाते हैं। तो जो एक से अनेक सृष्टि में, एक से अनेक उत्पन्न होते हैं, और सृष्टि में रहते हुए हम अनेक से वापस एक की ओर जुड़ रहे हैं। जो अनेक हैं उनमें हम विभिन्न देवता देख रहे हैं, लेकिन सचमुच जो सनातन संस्कृति है इसमें अद्वैत में केवल एक है, और जब एक है नेति वो निर्गुण है, क्योंकि निर्गुण है आप उसके बारे में बात नहीं कर सकते, आप केवल उसको समझ सकते हो और आभास कर सकते हो। तो इसलिए जो भी कुछ हमें सनातन धर्म के बारे में बताया जाता है पॉप मीडिया में, फिल्मों में, वो सब गलत है, झूठ है, गलत है, या इतना सरफेस और शैलो है कि वो व्यक्ति को गलत की ओर दिखा देता है। और जो इस समय संग्राम भारत में हो रहा है सच और झूठ के बीच में, और सचमुच एक संग्राम हो रहा है, वो यही है कि हम की इतनी अद्भुत समझ, संस्कृति, ज्ञान, ऐसा ज्ञान कहीं नहीं है, पूरा विश्व इसकी ओर आ रहा है। इस ज्ञान को हम कैसे, इसमें हम कैसे अन्य लोगों को सांझ सकें, अब सबसे पहले अपने आप को, क्योंकि अपोहन के द्वारा हम स्वयं भूल जाते हैं, कल हम जागेंगे तो हम भूल जाएंगे कि हमने आज क्या बात की थी। तो हमने तभी हर प्रत्येक दिन पूजा पाठ क्यों करने की आवश्यकता है, क्यों हम भूल रहे हैं, हमें दोबारा अपने आप को याद दिलाना है। तो ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी पूरे विश्व के लिए, इस समय विश्व, क्योंकि अब हम मशीन एज में, रोबोट एज में, AI एज में घुस रहे हैं, और इसमें जितना निराशा व्यक्ति को पहले हो रही थी जीवन में, उससे कई गुना होगी। और इस निराशा से दूर होके, इस दुख से दूर आप तभी पहुंच सकते हो यदि आप आत्मज्ञान में जुड़ जाएं, और वो आत्मज्ञान ही वेद देता है। जो वेद है ये आत्मज्ञान का पथ है, और बहुत सुंदर पथ है जी। अब नेक्स्ट है, साइकोलॉजिस्ट जी पूछ रहे हैं, इट इज सेड पार्वती जी टुक 108 बर्थ्स, 107 सती एंड 108 पार्वती जी, व्हाट वाज शी इन द 1 to 106 बर्थ्स, एनी इनसाइट और बुक आई कैन फाइंड।
देखिए ये सब कुछ 108 एक प्रतीक है, और 108 ये प्रतीक है, इसमें मैंने लिखा भी है कि 108 यदि आप पृथ्वी से, पृथ्वी की कल्पना करें और सूर्य की कल्पना करें, आउटसाइड सोलर सिस्टम, और आप ये टेस्ट चेक कर सकते हैं गूगल करके, जो सूर्य है वो 108 गुना अपने वृत्त से, अपने डायमीटर से पृथ्वी से दूर है, जो चंद्रमा है 108 गुना अपने वृत्त, अपने डायमीटर पृथ्वी से दूर है, और ये क्योंकि बाह्य और जो भीतर है इनके बीच में जोड़ है पिंड और ब्रह्मांड का, ये कल्पना की गई, और कल्पना शायद शब्द यहाँ गलत है क्योंकि ये मनगढ़ंत बात नहीं है, जो हमारे भीतर शिवत्व है, जो हमारे भीतर चैतन्य है, वो एक परोक्ष रूपी 108 क्रम दूर है हमारे शरीर के, तभी हम पार्वती जो ये शिव जी का नृत्य है उसमें 108 करण है, जो डांस पोजेस जिनका चित्रण बृहदीश्वर मंदिर में और अन्य मंदिरों में भी है, या नाट्य शास्त्र में जिसका वर्णन है, जो ये 108 डांस पोजेस शिव जी के हैं, वो इस गूढ़ बात को आपको बता रहे हैं, और इसका जो एक इस ये ब्यूटीफुल मैपिंग है, ये ब्यूटीफुल मैपिंग विजडम की है अपने भीतर, जैसे आप इसकी कल्पना कर रहे हैं श्री चक्र में, ये 108 उसके स्टेप्स हैं, और वो जो 107 और 106 इसके डिटेल्स के बारे में मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि आर्य इसमें आयुर्वेद में ये बताया जाता है कि 107 मर्म है, 107 मर्म है, 107 मर्म क्यों है, यदि आप 108 वृत्तों को एक जोड़ें, एक दूसरे के साथ रखें, दो को जोड़ें तो एक ही संधि स्थान होगा, दो को जोड़ें एक संधि स्थान होगा, तीन को जोड़ें दो संधि स्थान होंगे, 108 को जोड़ें 107 संधि स्थान होंगे, और ये संधि स्थान ही मर्म स्थान है शरीर में, ये बहुत सुंदर चीजें हैं, सब चीजें का समन्वय है, आप किसी भी शास्त्र में जाएं सबका समन्वय है जी। अगला अमित सिंह लोथरा, पर यू ईगो ऑब्लिक अहंकार इज अ बैरियर टू हायर डिसोल्यूशन एंड अवेयरनेस, वुड यू अग्री द टर्म अहम ब्रह्मास्मि इटसेल्फ डिनोट्स द ट्रू नेचर ऑफ सेल्फ इज ऑल एनकंपसिंग एंड टू रियलाइज इट इन लिमिटेड ह्यूमन बॉडी कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इज नॉट पॉसिबल दस अ हिंड्रेंस एंड द सेम राइटफुल अंडरस्टैंडिंग हैज लेड टू remote viewing abilities and experiments in US and Russian defense research where they were able to remotely view things beyond body barrier. देखिए दो उत्तर, पहला जो आप US और Russian defense research के बारे में बात कर रहे हैं, that's not credible, उसके बारे में लोग extreme statement देते हैं वो credible नहीं है, लेकिन जो आप पहले बात कर रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि भी व्यक्ति में अहंकार पैदा कर सकता है, यदि व्यक्ति सोचे अहम ब्रह्मास्मि मैं नाम, अब मैं अन्य प्राणियों से ऊंचा हूं क्योंकि मेरे में ये ज्ञान है, वो भी एक अहंकार का स्रोत हो सकता है, तो ये आप सही कह रहे हैं, तो इसलिए जो ये संधि स्थान में पहुंचना ये एक बहुत ही सूक्ष्म प्रश्न है, और इसके लिए जो पथ आप अपनाएंगे, जो आपका साधन है उसमें कैसे आप चलेंगे, ये एक कठिन पथ नहीं है, ये एक वॉरियर का पथ है। देखिए एक जो तलवार दूसरे का काट सर काट सकती है वो अपना सर भी काट सकती है, तो आप कैसे इसमें चलें, जो ये ज्ञान है इससे काफी जो ऐसे पश्चिम के जो विद्वान हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाए हैं, वो ऐसी बेतुका बातें करते हैं इसके बारे में जो कि जिससे आदमी को व्यक्ति को अचंभा होता है, तो ये ज्ञान एक रुकावट भी बन सकता है, क्योंकि इस ज्ञान में जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं आप में अहंकार भी हो सकता है, तो तो कैसे आप अहंकार को हमेशा मिटाते रहें। देखिए ऐसा होता है, एक व्यक्ति व्यक्ति पीएचडी करने जाता है, कुछ इंडस्ट्री में काम कर रहा है और वो सोचता है कि मैं तो सिकंदर बन गया, और उसके बाद वो आगे बढ़ नहीं सकता, जब भी वो सोचता है कि मैंने ये रिसर्च पेपर लिखा मैं तो ग्रेट हूं, तो उसके बाद में वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि व्यक्ति तभी क्रिएटिविटी
करता है जब वो अपने अहंकार को मिटा देता है, तभी वो स्रोत, वो जो प्रवाह है, वो उस तक पहुंच जाता है। जी नेक्स्ट विक्रम पारिक जी, धन्यवाद आपको। अमित पलसरा जी पूछ रहे हैं, प्लीज एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ रुद्राक्ष टर्निंग। हाँ देखिए, रुद्राक्ष आपके पास 108 जो माला है, जप माला है, उसमें 108 जो जो रुद्राक्ष हैं, तो वो आप 108 जो ये कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं 108, वो आप ये कल्पना कर सकते हैं अपने शरीर से, पृथ्वी से, क्योंकि शरीर आपका पृथ्वी का रूप है, शरीर से आप उड़ान करके प्रकाश तक, सूर्य तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहे, पहुंच रहे हो। यदि आप इसमें लीन हो जाएं तो आप सचमुच अंदर के सूर्य तक पहुंच जाओगे। तो ये आपको, आप अपने आप पे एक, देखिए इच्छा शक्ति कहना आसान है, लेकिन एक व्रत लेना कि मैं वहां पहुंचूंगा, वो बहुत कठिन है। तो ये व्रत करना, ये आप कर रहे हैं, ये भी सरल नहीं है, 108 जो 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 ये बीट्स हैं, तो इन सब चीजों को करना, या कभी जो सनातनियों के बारे में लोग कहते हैं कि आप ऐसा व्रत क्यों कर रहे हैं, इस दिन सोमवार को, बुधवार को, ये चीज क्यों खा रहे हो, ये चीज नहीं खा रहे हो, आखिरकार जो भी आप भक्ष कर रहे हो, भक्षित जो भी चीज है, वो सब समान है, सच है, लेकिन आप कुछ क्यों कर रहे हो, क्यों ना कर रहे हो, ये सब एक व्रत है। जो एक व्रत है, ये एक नियम है, और नियम जब 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 आप में यम और नियम ना हो, चाहे वो कुछ भी व्रत हो, तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि नियम आपके अहंकार को संयम में रखने के लिए बहुत आवश्यक है। जी जी नेक्स्ट मिस्टर तपस विश्वास, विवेक देवराज आर्टिकल इन द वीक वाज अकंपनीड विद ऑब्सीन स्केच ऑफ गॉड्स काली एंड शिवा, is it possible for magazine to post it without his approval? He has issued a clarification, it's available now, you can have a look. So I think it was done without his approval, so he has withdrawn himself now. इसी के साथ आज का ये बहुत ही रुचिकर और बहुत ही, मैं कहूँगा कि what should I say, deeply engrossing ये session पूर्ण। इससे पहले एक प्रश्न और आ गया, समीर कुमार, सो योर व्यूज ऑन तत्ववाद रॉन्गली रेफर्ड टू एज द्वैत, इट टेक्स अ व्यू दैट नो टू सोल्स आर सेम, नो टू एटम्स आर सेम, देयरफॉर मोक्ष इज टू रियलाइज वंस कैपेबिलिटी टू फुल एंड नॉट टू बिकम गॉड। देखिए, जो द्वैत है वो भी है, सच है, हम बात कर रहे थे अद्वैत की, लेकिन अद्वैत है इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड के स्वरूप से पहले अद्वैत है, यह हमारे चैतन्य में, लेकिन जो चैतन्य में अद्वैत से द्वैत पहले प्रकट होता है, और जैसे ये द्वैत है, कई हम द्वैत देखते हैं, प्रकृति पुरुष, या नर और नारी, या कितने जो अपोजिशंस हैं जीवन में, वो सारे द्वैत हैं, वो सब रियलिटी है, आप ये नहीं कह सकते कि वो रियलिटी नहीं है, और वो होना भी चाहिए। उसी द्वैत को, द्वैत के मंथन से अद्वैत आता है। देखिए, तो हम ये नहीं कह रहे कि गॉड क्या चीज है, ये इस गॉड जो शब्द है, जो भी संस्कृत से, वो भी संस्कृत से निकला है, ये दूसरा प्रश्न है, लेकिन जो ये गॉड शब्द है, इस पे बात करने में काफी समय लगेगा। इस समय सबसे पहले आपको इसकी व्याख्या करनी है कि आप समझ क्या रहे हो इस शब्द से, तो इसलिए इसके इस प्रश्न में आप, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता इस समय, लेकिन ये कहूंगा कि जो लोग द्वैतवाद में हैं, वो भी एक पथ है, और वो एक पथ है जो आपको आगे तक पहुंचाता है, और वो भी सुंदर पथ है, वो भी सनातन धर्म का एक पथ है। या इसमें समस्या बस यही आती है कि अद्वैत इंक्लूड्स द्वैत, बट द्वैत एक्सक्लूड्स अद्वैत, so that creates a problem. इसको अब यहीं पर समाप्त करेंगे। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर सुभाष काग जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद फॉर दिस वंडरफुल सेशन। जय हिंद।
वंदे मातरम। धन्यवाद धन्यवाद संजय जी, बहुत ही मजा आया। नमस्कार।